नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के मामले में। जी हाँ भाई, दुबई का वे के मामले में बात करेंगे, कानून के बारे में, पुलिस के बारे में। जी हाँ भाई, देखिए दुबई इतनी सी छोटी सी कंट्री है, कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है भाई। इंडिया की तरह तो है नहीं कि एक बंदा यहाँ से कुछ गलत करके भाग जाए जिसको पुलिस को ढूंढते ढूंढते 5 साल लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। वीए में आप सबको पता है इतना सा है भाई, पूरा कैमरों के सिस्टम में एकदम जाल से तरीके से बंधा हुआ है। जिधर से आप निकलोगे आपको पुलिस बैठे बैठे पकड़ लेगी, पुलिस को भागने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपके पीछे कैमरे लगे हैं, वो आपको बताते रहते हैं आप इस गली में गए, उसमें गए, उसमें गए, वो आगे से आगे फुटेज में आप निकलते रहते हैं। जी हाँ, इसी तरह का एक माजरा आया। देखिए, 2-3 बंदे थे जो साथ में काम कर रहे थे। देखिए, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा भाई, आप एक रूम में रहते हैं या फिर एक कैंप में रहते हैं, एक जगह जॉब करते हैं, आपकी यारी दोस्ती हो जाती है, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपके अच्छा मेल मिलाप हो जाता है तो आपका लेन देन हो जाता है, लेन देन मनी मनी पैसों का एक्सचेंज वगैरह। जैसे आपको बोल देते हैं यार मुझे घर पे 1 लाख रुपए भेजने हैं, आप दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इस तरह से पैसों का लेन देन कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद में किसी बात पे आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई मिसमैच हो जाती है, आपकी थिंकिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस दौरान आपके बीच में फिर वो जो क्लोजअप है ना वो दूर हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई हो जाती है। तो ये 3-4 बंदे बता दूं वे में एक मॉल में काम कर रहे थे। जी हाँ, वहाँ पे इनका कोई पैसों का लेन देन था। एक बंदा, अब हो सकता है उसको गुस्सा आया, क्या रीज़न था हमें नहीं पता इस बात का, तो पूरा रासालाल खेमा का ये मैटर बताया गया है। उसमें उसने 7 ही लोगों को चाकू मार दिया। जी हाँ, लड़ाई झगड़े हो गए, वो घायल हो गया। अब उस बंदे ने गलती करी, उसको मायने में आया है, उसकी प्लानिंग थी, उसका लेन देन था पैसों का। जी हाँ, अब उसने क्या किया, चाकू मार के तुरंत प्रभाव से फ्लाइट टिकट लेकर एयरपोर्ट पे पहुंच गया, रासालाल खेमा एयरपोर्ट पे। जी हाँ, अब हो सकता है उसकी प्लानिंग थी कि उनके साथ में ऐसी ऐसी ट्रेजडी करके हम भाग जाएंगे, इंडिया मान लो या पाकिस्तान मान लो, कहीं का भी बंदा हो। अब देखिए, अब जैसे अब वही तो मैं बता रहा हूँ भाई, गलती तो उसने कर दी, एक स्टोर में साथ में काम कर रहे थे मॉल में, लेकिन उनको कहीं ना कहीं किसी ने देख लिया, तुरंत पुलिस को कंप्लेन करी इस तरह से बंदा, तो भाई पुलिस ने उसको पीछा पीछा किया कैमरों के माध्यम से, तो पता लगा कि बंदा रासालाल खेमा एयरपोर्ट के अंदर घुस चुका है। जी हाँ, वहाँ से कॉल किया, 3 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 घंटे अगर इंडिया में हो तो भाई 3 महीने में गिरफ्तार नहीं हो पाता, क्योंकि सिस्टम है ना वो लूज है यहाँ का, वर्ल्ड लेवल पे क्षेत्रफल बड़ा है, वो लोग भाग जाते हैं, पता नहीं लग पाता, आप सबको पता है, तो वो थोड़ा सा क्षेत्रफल का फ़र्क आता है। हालांकि चलो उस मैटर पर हम बाद में बात करेंगे कभी। 3 घंटे में पुलिस ने बंदे को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि उनके साथ में कोई डिस्प्यूट था, माइंड में आना चाहिए था कि भाई पैसे हैं, लेन देन है। अब देखिए कितना नुकसान हुआ, वहाँ पे गलती करने का मतलब काफ़ी टाइम तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, 6 महीने कम से कम मान सकते हैं, अगर 307 की धारा लगती है तो ज़्यादा रहना पड़ सकता है, समझ गए। और उसको पैसे भी उनका लेन देन है, वो तो अब प्रूफ में हो गया ना कि उसका लेन देन था इसलिए उनके साथ झगड़ा हुआ, इसका मतलब उसको पैसे देने पड़ेंगे अभी, अगर वो लड़ाई नहीं करता पैसे नहीं देता तो भी चल जाती, समझ गए। और उसको लाइफ टाइम के लिए दुबई से डिपोर्ट कर दिया जाएगा वीए से। जी हाँ, लाइफ टाइम वो दुबई में नहीं जा सकता, क्योंकि आपको सबको पता है इस तरह के केस, पुलिस केस हो जाते हैं, उस बंदे को लाइफ टाइम बैन होता है उस देश में, वो दोबारा एंट्री नहीं कर सकता। जी हाँ, कितना नुकसान हुआ जी उसका, जेल में रहना पड़ेगा, पेपर में सबको, उनको रिश्तेदारों को पता लगेगा। तो कहने का मतलब शॉर्ट में आपको ये बात समझना चाहिए कि भाई ऐसे चीज़ों से बचने की सख्त ज़रूरत है। पहली बात तो लेन देन ना करें हर किसी के साथ में, लेन देन करते हैं तो भाई फिर आपको अगर पैसा बंदा खा जाता है, अपनी हेकड़ी दिखाता है, तो ये इस तरह का कोई गलत काम करोगे ना तो आपको नुकसान होता है, आपके पैसे भी जाएंगे, आपकी जान जोखिम रहेगी, आपके इस तरह की पुलिस कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है, तो कितनी प्रॉब्लम होती है। इसी तरह की कार्रवाई से, पुलिसिया से, इन चीज़ों से बचने के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। जी हालांकि दुबई जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी उनको स्पेशल धन्यवाद दिया गया कि भाई उनकी सजगता की वजह से ये बंदा पकड़ा गया, अगर वो थोड़ी सी भी लापरवाही कर देते ये बंदा इमिग्रेशन क्रॉस कर जाता तो ये बंदा फिर मिलने वाला नहीं था, ये भाग जाता। जी हाँ, और ये अपने देश जैसे इंडिया का होगा, किसी भी देश का होगा, वो उस देश में चला जाता तो फिर क्या होना था, कुछ नहीं होने वाला। एयरपोर्ट से उस बंदे को पकड़ा, उसके देखिए कितना माइंड में नेगेटिव आ रही, उस वो सोचता है यार थोड़ा सा और रहता, हम नहीं पकड़े जाते तो अपने एयरपोर्ट निकल जाते। जी हाँ, तो वो अपने घर पहुंच जाता, लेकिन उसका जो प्लान था वो फेल हो गया, अब वो सलाखों के पीछे है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।